नमस्कार, मैं हूं आकर्षण रुपल और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं आईबीएन 24 पर। और इस समय हम खड़े हैं चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ के अंदर आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे मैं इस समय खड़ा हूं, आपको हैरानी हो रही होगी कि आखिर मैं ये कहां आ गया हूं, क्या ये कोई ऐड है या ये कोई खबर है। लेकिन आपको बता दूं कि ये कोई किसी तरह का विज्ञापन नहीं है, किसी तरह की एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये खबर है। और जिस जगह पर इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जगह है चंडीगढ़ के 43 सेक्टर का आईएसबीटी का एक ऑफिस, जो कि एक कॉरपोरेट ऑफिस की तरह बना हुआ है। देखने में आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको बता दूं कि इस समय सीटीयू की ओर से जो एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, यहां पर अभी हम आपको चलकर दिखाएंगे कि कैसे सीटीयू को स्मार्ट बनाने के लिए, इंटेलिजेंट बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर एक ऑफिस तैयार किया गया, एक मॉनिटरिंग सेंटर तैयार किया गया है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो ये ऑफिस आप देख रहे हैं, ये कॉरपोरेट कंपनी की तर्ज पर बनाया गया है, जिसकी लागत आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी कि करनाल में जो प्रोजेक्ट 100-100 करोड़ रुपए में होते हैं, 150-150 करोड़ रुपए में होते हैं, यहाँ पर वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कितनी कॉस्ट में तैयार किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शानदार कॉरपोरेट कंपनी की तरह जो ये ऑफिस बनाया गया, पेंट्री आप देख सकते हैं, आईटीएस मैनेजर का ये ऑफिस है, ये देख सकते हैं, यूपीएस रूम आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जीएम सीटीयू जो बैठते हैं उनका ऑफिस यहां पर देख सकते हैं। और जुड़ेंगे हम जो डायरेक्टर हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के चंडीगढ़ के अंदर, प्रद्युमन सिंह हैं, हरियाणा कैडर के एचसीएस ऑफिसर हैं, उनसे एक बार बातचीत करेंगे कि आखिर जो ये स्मार्ट सिस्टम बनाया है, कैसे हर एक बस की मॉनिटरिंग इससे की जा रही है, कैसे क्राइम को कंट्रोल किया जाए, इसके लिए हर एक बस को मॉनिटर किया जा रहा है, किस बस से कितना रेवेन्यू आ रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। हर बस के अंदर सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, 5-5 कैमरा लगे हुए हैं कि अगर बस से कोई हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, किसी तरह की कोई चोरी या लूट होती है बस के अंदर, हालांकि चंडीगढ़ में ऐसा सुनने को देखने को मिलता नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ की हर बस को किस तरह से स्मार्ट बस में बदल दिया गया है, पूरे चंडीगढ़ को किस तरह से, पूरे चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट को बदलने की कोशिश की जा रही है। और 5 साल के लिए इस कंपनी को ऐसे अमाउंट में, यानी कि पूरे का पूरा प्रोजेक्ट दिया गया है, जो आपको सुनकर हैरानी होगी। हमारे साथ प्रद्युमन जी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सर, आपका ये ऑफिस देखकर लग नहीं रहा कि एक सरकारी दफ्तर है, अमूमन जो होते हैं एक प्राइवेट कंपनी की तरह, कॉरपोरेट कंपनी की तरह यहाँ पर एक ऑफिस है। सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूँगा, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में आप काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमने अपना 43 बस स्टैंड पे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और हमारा ये जीएम्स के और रूम्स वगैरह हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल है, सो दिस इज़ आवर वर्क प्लेस है इन चंडीगढ़ जी। तो सर, जो आपने इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे चंडीगढ़ जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसने अपने आप को हाईटेक किया, स्मार्ट किया, इंटेलिजेंट किया, जिससे ना केवल क्राइम के ऊपर रोक लग रही है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो हमने अंदर चलकर देखी वो अपने आप में यूनिक है, और मुझे लगता है कि पूरे इंडिया की जो गवर्नमेंट की स्टेट्स हैं उसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट इसे करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बखूबी हमारा जो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अभी हम चलकर देखेंगे उसको, और उसमें बहुत ही हाईटेक फीचर्स हैं। सिटिंग अंडर वन रूफ वी कैन एक्चुअली ओवरसी एंड कंट्रोल द एंटायर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग इन द चंडीगढ़ रीजन, और हर बस को ट्रैक किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी में GPS एनेबल्ड हैं, और वी हैव द एंटायर ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी रूट ऑपरेटेड। सर, सबसे बड़ी बात जो हमने अंदर देखी, खुद भी देखी, अभी और भी लोगों को दिखाएंगे, कि हर बस सीसीटीवी कैमरा से इक्विप्ड है, कहीं ना कहीं क्राइम के ऊपर भी जो कंट्रोल है, या कहें कि क्राइम को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए भी सीसीटीवीज का यूज हो रहा है। जी बिल्कुल, ना केवल क्राइम पर कंट्रोल, बल्कि जो हमारे ड्राइवर्स कंडक्टर्स का एटीट्यूड है टुवर्ड्स द ट्रैवलर्स, वो ओवर स्पीडिंग और इसी तरह के बहुत से अन्य फीचर्स हैं, जैसे अगर कोई ड्राइवर ओवर स्पीड करता है तो उसकी टिकट रेज हो जाती है, अगर कोई ड्राइवर लेट बस स्टार्ट करता है, अपने टाइम पे नहीं करता है, तो उसकी टिकट रेज हो जाती है, और अगर बस स्टॉप पर नहीं रोकता है तो उसकी टिकट रेज हो जाती है। तो एवरी फीचर इज इनेबल्ड इन सच अ वे टू इंश्योर कि जो हमारे जनता है जो ट्रैवल कर रही है, वो एक बहुत ही स्मूथ और प्लेजेंट ड्राइव एंजॉय करें। तो आपका शेड्यूल बहुत बिजी, लेकिन मैं चाहूँगा 10 मिनट निकालकर आप चल के हमें दिखाएं।
तो हमारे साथ प्रद्युमन जी हैं, एचसीएस अधिकारी हैं हरियाणा कैडर के, और सीटीओ के अंदर इनके पास चार्ज है डायरेक्टर चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट का, और वो दिखाने के लिए आपको चलेंगे। हमारे साथ जीएम साहब भी जुड़ जाएंगे, उनके साथ भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे एक हाईटेक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने बहुत ही शानदार जो सिस्टम है वो यहाँ पर लगाया, एक अच्छा कंट्रोल रूम, एक इंटेलिजेंट कंट्रोल रूम आप यहाँ पर है। सर इसके बारे में बताइए, ये पूरे का पूरा जो कंट्रोल सिस्टम है, कौन लोग ये बैठे हैं, क्या कुछ ये ट्रैक कर रहे हैं और क्या कुछ इसका फ़ायदा होने वाला है? देखिए, ये हमारे ऑपरेटर्स हैं जिनका बेसिकली वर्क है टू ट्रैक टू ओवरसी द इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसमें जिस जिस तरह से हमारे जो फीचर्स जिस तरह से अभी आपको बताएंगे, उन फीचर्स को एक्चुअली जो टिकट्स रेज हो रही हैं उनके जो ग्रीवियंस हैं उनको रेड्रेस कर रहे हैं, तो ये हमारी टीम यहाँ मौजूद कर रही है। तो हमारे साथ धवल जी हैं सर, जो बताएंगे अब आप हमें आगे। बिल्कुल, तो धवल जी हैं हमारे साथ, उनसे एक बार जुड़ेंगे। धवल जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम जो इंटेलिजेंस सिस्टम जिसे कहते हैं वो यहाँ पर बनाया गया, क्या कुछ इसके फ़ायदे हैं और ये जो पूरे डाटा पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है ये क्या कुछ इससे समझ आ रहा है और इसके क्या कुछ फ़ायदे रहते हैं? हाँ जी, सो मैं जस्ट आपको ब्रीफ करना चाहूँगा प्रोजेक्ट के बारे में। दिस इज़ वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट के अंदर हमने सिटी ने ट्राई किया गया है कि इंटीग्रेटेड मैनर में अलग अलग जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एंड कस्टमर कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए ये अलग अलग एरियाज को क्लब करके कैसे एक कॉमन अम्ब्रेला में हम ला दें और उसका अल्टीमेटली एंड यूजर एज वेल एज सीटीयू को इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन इंप्रूवाइजेशन में बेनिफिट हो पाए जी। तो उसके अंदर ये कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ से रियल टाइम ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग होती है। आई विल गो थ्रू द एंटायर वेरियस मॉड्यूल्स एंड सॉल्यूशन फीचर्स इन अ ब्रीफ फॉर योर रेफरेंस। तो आपको बता दें कि ये पूरी की पूरी जो डिटेल्स हैं यहाँ पर बताया गया है कि सीटीयू के पास टोटल कितनी बसेज हैं, कितनी बसेज इसमें चल रही हैं, कैसे कैसे उनको शेड्यूल किया जाता है, कितने उससे इंसिडेंट हुए, कितनी बसें अपने टाइम से लेट चल रही हैं, कितनी बस बंचिंग के केसेस इनके पास हैं, ड्राइवर कितने हैं इनके पास, कितने ड्राइवर ड्यूटी के ऊपर हैं, कितने कंडक्टर इनके पास ड्यूटी पे हैं, कितने ड्राइवर एबसेंट हैं, पूरी की पूरी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर बनाई और अपने आप में एक शानदार जो सिस्टम है जिसकी कल्पना सिर्फ हमने आज तक शायद किताबों के अंदर किया या कुछ वीडियोस के अंदर, कुछ फिल्मों के अंदर किया, ये तमाम चीज़ें आपको सीटीयू के अंदर यानी कि चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है जिसके तहत जो सीटीयू काम करता है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बसेस के अंदर कैमरे कैसे काम करते हैं, हर बस को कैसे ट्रैक किया जाता है, हर जो ये देखिए 58,139 किलोमीटर तक अभी तक जो बसें हैं वो चल चुकी हैं, लेकिन जो प्लानिंग की गई है वो 67,307 किलोमीटर है। सर तमाम जो ये बसों का टाइम यहाँ पर लिखा गया है, तमाम जो किलोमीटर्स यहाँ पर लिखे गए हैं, ये क्या चीज़ है, रियल टाइम चल रहा है, क्या चीज़ है? हाँ जी, सो बेसिकली सुबह 5 बजे के करीबन सीटीयू का ऑपरेशन स्टार्ट होता है ट्राई सिटी एरिया के अंदर, सिटी बस के अंदर। सो टोटल 358 बसेस के अंदर ये हमारा सिस्टम लगा हुआ है। सो इसमें अलग अलग एरियाज में ये सॉल्यूशन काम करता है, जैसे रियल टाइम ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द फ्लीट्स, जो शेड्यूल ट्रिप्स होते हैं उसके सामने एक्चुअल कितना ऑपरेट हुआ है, रियल टाइम मैनर में कितने पैसेंजर ने ट्रैवल किया टिल करंट टाइम, कितना कैश कलेक्शन हुआ है, अवरली हमें एनालिसिस मिलता है कि पीक आवर्स के टाइम पे कितना पैसेंजर होता है, कितना रेवेन्यू कलेक्शन होता है, उसके बेस पे हमें आगे उसका MIS रिपोर्ट्स का यूज़ करके हम आगे इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं हमारे ऑपरेशंस में एज वेल एज पैसेंजर कन्वीनियंस में। साथ में जो ISBTs हैं, ISBTs पे हमारी पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम लगी हुई है जो रियल टाइम जानकारी देती है कि कौन से टाइम पे कितनी बसेस कौन से रूट पे जाएगी, कितने बजे निकलेगी, एज वेल एज सिटी के अंदर अराउंड 70 लोकेशन है, उसमें से 40 लोकेशन अंदर BQS जो बोलते हैं बस क्यू शेल्टर, वहां पे PIS सिस्टम लगा हुआ है जो रियल टाइम जानकारी देता है पैसेंजर्स को शेड्यूल बसेस कौन से टाइम पे वहां पे आ रही है और एक्चुअल टाइम उसका क्या है। यस सर, तो ये देखिए यहां पर आपको बता दें कि जो ट्रेवलर ट्रैवल करते हैं इन बसेस के अंदर क्या उनका पीक टाइम रहता है, किस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो ट्रैवलिंग है वो सीटीयू के अंदर होती है, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। और एक्चुअल में मैं आपको बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हरियाणा में भी इस तरह के सिस्टम की ज़रूरत है, पैसा बहुत खर्च हो रहा है स्मार्ट बनाने के लिए लेकिन कितना स्मार्ट बन पा रहा है वो आपको हम रोज़ दिखाते हैं, लेकिन आज हम चंडीगढ़ आए हुए थे और चंडीगढ़ के इस सिस्टम की जो तारीफ है हर एक जो सिटीज़न है चंडीगढ़ का वो कर रहा है कि एक अच्छी शुरुआत सीटीयू की तरफ से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है।
है, कैसे आप हर एक चीज को, हर एक डेटा को देख सकते हैं, कितना पैसा कलेक्ट हुआ, कितने लोगों ने अभी तक ट्रेवल किया, ई वॉलेट ट्रांजेक्शन कितनी हुई है, आरआर पर किलोमीटर यानी कि रेवेन्यू क्या आ रहा है, तमाम चीजें यहाँ पर, टोटल डेली पैसेंजर रेवेन्यू कितना आ रहा है, हर चीज यहाँ पर आपको मॉनिटरिंग भी की जा रही है और साथ के साथ ये पूरे का पूरा जो डेटा है वो जो ऑफिसर्स हैं यहाँ के उनके साथ शेयर किया जाता है। सर इसके अंदर सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं, सीसीटीवी कैमरास से क्या कुछ मदद अभी तक आपको मिल पाई है, क्या हम देख सकते हैं कुछ कैमरास? हाँ जी, सो बेसिकली बस के अंदर टोटल 5 कैमरा लगे हुए हैं, हर बस के अंदर, हर एक बस के अंदर। हाँ, सो कैमरा की मदद से हम ये जानकारी पा सकते हैं कि पैसेंजर, अगर कोई पैसेंजर इनकन्वीनियंस होता है या कोई ऐसा अलर्ट रिपोर्ट होता है तो ऑन द स्पॉट वी कैन आइडेंटिफाई बस के अंदर सिचुएशन क्या है, इफ़ इट इज़ अ सीवियर सिचुएशन, बस में पैसेंजर को कोई हेल्प की जरूरत है, इमीडिएटली कंट्रोल रूम में टोल फ्री नंबर एंड आई वेयर सिस्टम अवेलेबल है, वहाँ पे ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स के साथ में इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करके जानकारी का तकाइजा लिया जाता है और इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। साथ में काफ़ी सारे इंसिडेंट्स ऐसे पाए गए हैं कि जैसे बस के अंदर कोई चोरी होती है या बस के अंदर कोई मिसप्लेस चीज़ें होती है तो कैमरा का फीड एंड रिकॉर्डिंग की मदद से वो इंसिडेंट्स को रियल टाइम मैनर में रिजोल्व किया गया है सक्सेसफुली एंड पैसेंजर को उसका बेनिफिट रियल टाइम मैनर में मिला है। एंड साथ में एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ सीटीयू ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स जो बस चलाते हैं काफ़ी टाइम पे एक्सीडेंट के टाइम पे एलिगेशन आते हैं कि वो ओवर स्पीड कर रहे हैं, तो कैमरा की मदद से हमें स्पीड की जानकारी मिलती है और एक्चुअल सिचुएशन क्या थी एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट वो जानकारी पाई जाती है, उसकी वजह ड्राइवर्स एंड क्रू को काफ़ी बेनिफिट होता है। तो सर जैसे आपने कुछ बातें बता दी, कुछ चीज़ें मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे बस में घटनाएं हो जाती हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं हो जाती हैं, लोग किसी कई बार झूठ बोल देते हैं कि कंडक्टर ने तो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, गलती खुद की होती है लेकिन कंडक्टर ड्राइवर के ऊपर डाल दी जाती है, इस तरह के कुछ मामले कभी सामने आए, कुछ मदद मिली आज तक पुलिस को और आपको? हाँ जी सर, फॉर्चुनेटली विद दिस सिस्टम हमें ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स मिले हैं रिसेंटली, एंड वो जैसे लास्ट वीक में हमें एक ऐसा इंसिडेंट मिला था कि एक पैसेंजर अपना जो वैल्यूएबल्स थे कुछ गोल्ड ज्वेलरी वगैरह वो थेफ्ट हुए थे बस के अंदर से, उस एक्चुअली आफ्टर एनालिसिस एंड सीसीटीवी फुटेज वेरिफिकेशन हमें पाया गया कि उसके बस के अंदर एक कलीग पैसेंजर था, उसने वो बैग उठानदरी किया था और वो पूरा केस इमीडिएट लेवल पे सॉल्व हुआ एंड एंड कस्टमर को पैसेंजर को फायदा हुआ एंड वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है। जी सर, हर बस को ट्रैक किया जा सकता है, क्या कोई पैसेंजर भी देख सकता है कि मुझे इस रूट के ऊपर चलना है और कौन सी बस आ रही है, किस में मैं बैठ सकता हूँ, क्या स्पीड उसकी चल रही है, सब कुछ देख सकता है? हाँ जी सर, पैसेंजर्स एंड कम्यूटर्स के लिए बेसिकली एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है विच इज़ अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म एज वेल एज iOS प्लेटफॉर्म, सो वहाँ से एप्लीकेशन के जरिए वो जानकारी पा सकते हैं कि उस वो जर्नी प्लान कर सकते हैं, स्मार्ट कार्ड यूसेज कितना है वो उनको जानकारी मिलती है, जो पर्टिकुलर बस में या रूट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो उसका शेड्यूल टाइम क्या है, उसका अराइवल टाइम है, रियल टाइम लोकेशन जान सकते हैं, अगर उनको कोई सजेशन देना है सीटीयू को या कोई कंप्लेन करना है, उनका कोई शिकायत है तो वो मोबाइल ऐप से दर्ज भी करवा सकते हैं। सो ये पब्लिक फेसिंग के लिए मोबाइल ऐप एज वेल एज वेब पोर्टल दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल किया गया है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से, देखिए रियल टाइम इस समय चल रहा है, जो बसेज यहाँ पर चल रही है हर बस का नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है और बस के अंदर जो सीसीटीवी कैमराज दिखे किस स्पीड से बस चल रही है, क्या पोजीशन है, इस समय देखिए हर तरह की जो बस है उसके अंदर इस समय कितने लोग बैठे हुए हैं, यानी कुछ भी झूठ बोलने की जो गुंजाइश है ये इस समय देख सकते हैं कि जीरकपुर का जो मुख्य चौक है वो आप यहां पर देख पा रहे हैं, हर बस के अंदर ये जो सीसीटीवी कैमरास हैं ये लगे हुए हैं, ये देखिए इस समय ये बस जिस जगह पर खड़ी हुई है यहां पर इस समय कोई ड्राइवर मौजूद नहीं है, इसमें कोई सवारी मौजूद नहीं है, लेकिन जहां पर बसेस चल रही हैं ये तमाम जो ट्रैकिंग है, ये देखिए ये ड्राइवर साहब आपको दिखाई दे रहे हैं जो इस समय बस चला रहे हैं, किस स्पीड पर बस चल रही है, हर चीज आपको यहां पर ट्रैक होगी। हमारे साथ जो जीएम है यहां के मिस्टर गुप्ता हैं, उनसे एक बार जुड़ते हैं। गुप्ता जी, एक अच्छी शुरुआत आपके यानी कि मार्गदर्शन में हुई है जैसा हमें बताया गया, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अब से पहले हमने फिल्मों में देखा था, विदेशों में देखा था, चंडीगढ़ में भी शुरुआत हो गई इसकी। देखिए, आपको फीचर्स तो मिस्टर धवल ने अभी सारे एलेबरेट कर ही दिए हैं, ये मेरे कुलीग हैं मिस्टर अमित गुप्ता, ठीक है। एंड इसमें बेसिकली हम बहुत तरह की ट्रैकिंग कर रहे हैं, जो स्टोलन कई एक्टिविटीज़ आती हैं वो भी हमें मॉनिटर होती हैं सारी। उसके बाद आजकल जैसे कोविड चल रहा है, पैंडमिक सिचुएशन है, तो इवन हमारे जो क्रू स्टाफ हैं,
हमारे जो कम्यूटर्स हैं कितनों ने मास्क पहना हुआ है, कितने ने मास्क नहीं पहना हुआ, कितने हमारे जो स्टाफ हैं वो यूनिफॉर्म में हैं, कौन से यूनिफॉर्म में नहीं है, वो डेली मॉनिटरिंग की जाती है हमारी, उसके अकॉर्डिंगली हम एक्शन उन पे लेते हैं जो नहीं कंप्लाई करते. सो मतलब इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन ए बिग वे रादर देन, मतलब रिलायबिलिटी तो बढ़ी रही है इससे और उससे राइडरशिप भी हमारी इंक्रीज़ हो रही है डे बाई डे, लेकिन एक कंप्लायंस फैक्टर है जो उसमें डे बाई डे स्ट्रेंथनिंग हो रही है, जो कि कंप्लायंस फैक्टर अदरवाइज कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है इतने बड़े फ्लीट साइज़ के साथ. लेकिन यहाँ पे कंट्रोल रूम से रिगरस मॉनिटरिंग इज़ देयर, सो उसके अकॉर्डिंगली इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू कंट्रोल एंड इम्प्रूव वाइज अपॉन द ऑपरेशंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक. तो तभी इसका नाम इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग सिस्टम रखा गया, इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग कंट्रोल जो सिस्टम है वो रखा गया. ये देखिए यहाँ पर बसेस के बारे में डिटेल दी गई है कि कौन सी बस इस समय किस जगह पर है, क्या उसका शेड्यूल नंबर है, तमाम जो चीज़ें, कितनी डिले चल रही है. देखिए जैसे ट्रेन के बारे में आपको रियल टाइम आता है कि इतनी जो ट्रेन है वो लेट चल रही है, यहाँ पर बसेस के बारे में भी वही जानकारी दी गई है, कौन कंडक्टर उसके अंदर इस समय बैठा है, कंडक्टर का मोबाइल नंबर क्या है, कौन ड्राइवर है, ड्राइवर का मोबाइल नंबर क्या है. ये अपने आप में यानी कि एक अच्छी पहल भी कही जा सकती है. और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने आमतौर पर देखा होगा कि कई बार ड्राइवर कंडक्टर ही झूठ बोल देते हैं, अपना नाम गलत बता देते हैं, लेकिन अगर आपके पास बस नंबर है तो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी. और ये पूरे का पूरा जो नक्शा है वो आपने अभी देखा कि यहाँ पर तमाम जो बसेज हैं वो, सर ये क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ें हैं जो सुबह से अभी तक ट्रैक की हैं? ये हमारा पोर्टल है जी, ये GRMS बोलते हैं इसको, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम. जितने भी हमारे पब्लिक है, कम्यूटर्स हैं, वो कंप्लेंट लॉग कर सकते हैं इसमें. अच्छा, हमारा भी कर सकते हाँ जी सारी, कोई भी उनको प्रॉब्लम आती है क्रू से, कोई उनको बस से प्रॉब्लम आती है, एनी टाइप ऑफ कंप्लेंट, तो वो इसमें लॉग कर सकते हैं. एक टोल फ्री नंबर हमने जनरेट कर दिया है, टोल फ्री के नंबर के द्वारा यहाँ पे कॉल आती है, अपने मोबाइल ऐप में जाके वो लॉग कर सकते हैं, वेब ऐप जो हमारा वेब पोर्टल है उसमें जाके लॉग कर सकते हैं. सो इस पर हमारी कंप्लेंट आ जाती है साथ के साथ ऑनलाइन, और उस पर हमारे यहाँ पे ऑपरेटर्स बैठे हैं, वो इमीडिएटली एक्ट करते हैं. जहाँ से भी वो संबंधित कंप्लेंट होती है, जैसे अगर हमारे ड्यूटी इंचार्ज के संबंधित है तो वो उसके पास चली जाती है, हमारे वर्क्स मैनेजर के संबंधित है, कोई बस में प्रॉब्लम आ गई है तो वहाँ पे चली जाती है. सो उनका भी हमने एक यू नो सर्विस लेवल एग्रीमेंट डिसाइड कर दिया है, सो विद इन दैट पीरियड दे हैव टू रिजॉल्व द कंप्लेंट. उसके बाद इस पर कंप्लेंट क्लोज होती है, जिसकी फीडबैक कम्प्यूटर को जाती है, कंप्लेनेंट को जाती है. इसमें हमने फर्दर एक और चीज़ की है कि हमने एस्केलेशन मैट्रिक्स बना दी है, जिसमें एक एस्केलेशन लेवल 1 है, एस्केलेशन लेवल 2 है, एस्केलेशन लेवल 3 है. एस्केलेशन लेवल 1 पे जो ऑफिसर हमारा बैठा है वो ट्रैक करता है कि कितनी कंप्लेंटें उसके पास एस्केलेट हो चुकी हैं, उसको रिजॉल्व करवाता है. अगर वो नहीं करवा पाता तो एस्केलेशन लेवल 2 GMs का लेवल है, उस पे जाके वो कंप्लेंट एस्केलेट हो जाती है, और अगर वो भी नहीं करा पाते तो डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट के पास पहुँच जाती है. अभी आप देख रहे होंगे कि टोटल टिकट्स जिस दिन से ये हमारा लॉन्च हुआ है सिस्टम, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ के करीब हो गया है. सो 346 कंप्लेंट लॉग हुई हैं. हिसाब से भी सर देखा जाए तो रूटीन की 10 कंप्लेंट डेली की बहुत ज़्यादा नहीं है. हमारी मॉनिटरिंग इस चीज़ से जान सकते हैं कि हमारी अनअटेंडेड कंप्लेंट 0 है, प्रोसेसिंग में जो कंप्लेंट्स हैं वो भी 0 हैं, और क्लोज्ड 346 के हैं. मतलब कोई भी कंप्लेंट, कोई भी कंप्लेंट हमारे पास पेंडिंग नहीं है और कोई भी एस्केलेटेड नहीं है कंप्लेंट. सो मतलब दिस कुड बी पॉसिबल बाय द इंटेलिजेंट सिस्टम ओनली. पहले हमारे पास कागजों पे कंप्लेंट आती थी, उस पर 15-20 दिन लग जाते थे, मे बी ज़्यादा टाइम भी लग जाता था. ऐसे ही ईमेल्स के द्वारा आती थी, वो भी कई बार अनअटेंडेड रह जाती थी, लेकिन इससे कोई भी कंप्लेंट कोई अनअटेंडेड नहीं रहेगी, और सबके सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको विद इन डिफाइंड पीरियड करना ही करना है. तो ये देखिए, ये इसे कहते हैं कि स्मार्ट सिस्टम. करनाल में आपने देखा कि 160 करोड़ रुपए में सिर्फ लाल बत्तियां और कैमरे लगाए गए, उसका भी सिर्फ फायदा ये हो रहा है कि लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन ये पूरे का पूरा सिस्टम जो मुझे जानकारी दी गई है, सिर्फ 35 करोड़ रुपए में 5 साल के मेंटेनेंस के साथ है. 5 साल तक मेंटेनेंस कंपनी को करनी होगी, और 35 करोड़ रुपये में पूरे सिस्टम को इनेबल्ड किया गया. 600 से ज़्यादा बसों को मॉनिटर किया जा सकता है 5 साल तक. ये आप देख सकते हैं तमाम जो चीज़ें हैं, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किया गया. और ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये ISBT 43 सेक्टर है चंडीगढ़ के अंदर, और यहीं पर ये पूरे का पूरा इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पर बनाया गया. आप सभी से मेरी अपील रही कि जो भी लोग
लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस पूरे स्मार्ट सिस्टम के बारे में आखिर आपका क्या कुछ कहना है। क्या हरियाणा में भी इसकी शुरुआत होनी चाहिए? हालांकि बहुत सारे राज्यों के अंदर, बहुत सारे बड़े जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनके अंदर ये सिस्टम पहले से चल रहा है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा जो सिस्टम है वो चंडीगढ़ के अंदर अब स्टार्ट हुआ है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी हरियाणा भी इसकी शुरुआत जरूर करेगा। आप देख रहे हैं एवन 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से लगभग 120 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ से, जो कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है, वहीं से आप सभी के साथ लाइव, जहां पर एक ऐसे सिस्टम को इनेबल्ड किया गया जहां पर बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, कोई भी हो, अगर बस में सफर करता है तो उन्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपके बच्चे, आपकी महिलाएं, आपके बुजुर्ग, सब लोग कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हम लोग सेफ हैं। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।